जून का महीना काफ़ी बड़ा और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जून के महीने में काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में और वेब सीरीज आने वाली है। तो आज हम बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली 15 बड़ी फिल्में और वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हिंदी के अंदर आने वाली है। तो चलिए, लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा दीजिए। नंबर 15 पर है गुना। ये सुरभि ज्योति और गस्वीर महाजनी की एक सीरीज होगी। ये स्टोरी अभिमन्यु के आसपास घूमेगी, जो कि एकदम मिस्टीरियस टाइप का बंदा है। वो रिवेंज लेने को आए हैं, इनको बहुत बड़ा धोखा मिला है। ये सीरीज 3 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में प्रीमियर होने वाली है। ये खेल आप ही के लिए है। इस खेल में बहुत मजा आएगा। नंबर 14 पे मुंजिया। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिस फिल्म में सर्वरी और अभय वर्मा मेल लीड में दिखाई देंगे। ये फिल्म दिनेश विजान के सुपर नेचुरल यूनिवर्स की अगली फिल्म होगी। इन सभी फिल्मों के बाद ये फिल्म 7 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। सबर सर, सबर, सबर का फल मीठा होता है। तेरे गुलाब जाम मीठे होंगे। नंबर 13 पे है ब्लैकआउट। ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें विक्रांत मैसी, मोनी रॉय, सुनील ग्रोवर के साथ कई सारे एक्टर दिखाई देंगे। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी फनी लग रहा है। ये एक रात की कहानी होगी, ऐसा ट्रेलर से लग रहा है, जिसमें एक एक्सीडेंट के बाद एक बंदे को बहुत ज़्यादा पैसा और सोना मिलता है। ब्लैकआउट फिल्म 7 जून को जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बहुत ढूंढा मैं तेरे को, शेर समझाता तेरे को। नंबर 12 पे गोलखपुर। पंचायत सीजन 3 के बाद TVF की मच अवेटेड और मच लव सीरीज गुल्लक का सीजन 4 आ रहा है। ये कोई सीरीज नहीं, काफियों का इमोशन है। मिडिल क्लास फैमिली को ये खुद की स्टोरी लगती है। ट्रेलर काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। सीरीज अमन और उसके एडल्टिंग पर फोकस करने वाली है। ये सीरीज 7 जून को सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। लेकर जिंदगी की खड़क फिर आ रही है नए किस्सों की गुल्लक। नंबर 11 पे फूली। फूली फिल्म एक ड्रामा फिल्म होगी, जिस फिल्म का ट्रेलर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये फिल्म एक स्मॉल बजट फिल्म होगी, जिसको ऑडियंस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि फिल्म अच्छी लग रही है। ये फिल्म 7 जून को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर 10 पर है रायन। रायन धनुष की मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म है, जिस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर धनुष खुद हैं। ये धनुष के डायरेक्शन में बनने वाली दूसरी सेकंड मूवी है। रायन एक रिवेंज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिस फिल्म में धनुष अन्ना के साथ सॉलिड स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। ये फिल्म 13 जून को थिएटर्स में आने वाली है, तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा के अंदर। वैसे ये मूवी पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट्स नहीं आ रही है। नंबर 9 पर है चंदू चैंपियन। ये जून मंथ में आने वाली एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट किए हैं। फिल्म के लीडिंग रोल में कार्तिक आर्यन नजर आएंगे, जो कि प्ले कर रहे हैं इंडिया के पहले पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का रोल। इस फिल्म के अंदर हमको 8 मिनट का सिंगल टेक वॉर सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है। ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक बड़ी फिल्म है, जिसको 14 जून को थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। हंसता कहीं कोई? नंबर 8 पर है यक्षिणी। ये साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली एक सुपर नेचुरल फैंटेसी थ्रिलर सीरीज है, जिसका हिंदी ट्रेलर भी आउट हो चुका है, जिसमें राहुल विजय, वेदिका, मंजू लक्ष्मी दिखाई देंगी। ये सीरीज 14 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु, हिंदी, तमिल और कुछ और भाषाओं के अंदर स्ट्रीम होने वाली है। मेरी बीवी चुड़ैल है। एक वक्त बाद हर किसी को अपनी बीवी चुड़ैल ही लगती है। नंबर 7 पर है डबल स्मार्ट। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि स्मार्ट शंकर का सीक्वल होगी। ये फिल्म 2019 में आई एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। कमाल की बात यह है कि ये राम पोथिनानी और डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की लास्ट क्लीन हिट फिल्म थी। ये मूवी ये दोनों जान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डबल स्मार्ट एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है, जिस फिल्म का टीजर आउट हो चुका है। अपडेट के मुताबिक इस फिल्म में रैपो यानी कि राम पोथिनानी डबल रोल में होने वाले हैं। फिल्म में राम पोथिनानी, संजय दत्त, काव्या ठाकुर लीड रोल प्ले कर रही हैं। ये फिल्म 14 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। मे बी ये फिल्म थोड़ी आगे बढ़ सकती है। Oh!
नंबर सिक्स पर है महाराज। ये फिल्म एक सोशल हिस्टोरिकल थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें जुनैद खान, जयदीप अलावत, शालिनी पांडे दिखाई देंगी। फिल्म को हिचकी के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 1862 के महाराजा लीबल केस पर बेस्ड रहने वाली है। ये फिल्म से आमिर खान की बेटी जुनैद खान अपना डेब्यू करने वाले हैं, जो कि फिल्म में प्ले कर रहे हैं फियरलेस जर्नलिस्ट का रोल। वैसे ये मूवी 14 जून को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। नंबर 5 पर है लव की अरेंज मैरिज। ये फिल्म एक फैमिली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें सनी सिंह और अवनीत कौर के फ्रेश पेयर देखने को मिलेगी। फिल्म में बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलेंगे। ट्रेलर से लग रहा है फिल्म में हमें एक मजेदार अतरंगी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। वैसे ये मूवी 14 जून को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर देखने को मिलेगी। तुम्हें ना कोई आते जाते ना देखा, शादी के लिए क्या देखेगा? और ये जो मेकअप लगा के रखा ना, इसे दिलवा दूं ना तो इतनी मोटी मोटी दरारें निकलेंगी ना कि मैं उसमें अपनी किताबें रख लूं। नंबर 4 पे है कोटा फैक्ट्री 3। ये इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज है जिसकी हाइप पीक पर है, क्योंकि लास्ट 2 सीजन काफी अच्छा निकल कर आया था। इस ब्लैक एंड व्हाइट शो ने सभी के लाइफ में कलर भर दिया था। इस सीरीज में हमें फिर से कोटा के उन्हीं स्टूडेंट की स्टोरी देखने को मिलेगी। फाइनली कोटा फैक्ट्री का तीसरा सीजन 20 जून को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। शन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। कोटा को तेरे जैसे टीचर की जरूरत है। नंबर 3 पे है एक वीक्स रिबाउंड। ये फिल्म एक स्वीट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें रोहित सराफ के साथ कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। ये चार दोस्तों की कहानी होगी जो कि फ्रेंडशिप और लव के जाल में फंस जाते हैं। ये रोमांटिक फिल्म 21 जून को 21 जून को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर 2 पे है 36 डेज। ये एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर सीरीज होगी जिसमें नेहा शर्मा मेन रोल में है। विशाल पूरिया ने इसको डायरेक्ट किया है। ये सीरीज यूके के शो 35 डेज का अडेप्टेशन होने वाली है। कहानी एक मिस्टीरियस औरत की होगी जो कि एक परफेक्ट से लगने वाले मोहल्ले के अंदर शिफ्ट होती है। सीरीज का ट्रेलर आउट हो चुका है। ये सीरीज इसी महीने सोनी लिव पर आने वाली है। नंबर 1 प्लेस पे है कल की 2898 AD। ये फिल्म जून महीने की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है बजट और स्केल के मामले में। फिल्म का बजट 600 करोड़ से ऊपर का है। इस हिसाब से ये फिल्म 2024 की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म है। फिल्म के लिए ऑडियंस सुपर डुपर एक्साइटेड हो चुके हैं इसके 2 14-14 मिनट के एनिमेशन प्रीलूड को देखने के बाद। भाई साहब क्या गजब का माल लग रहा है। इसे कहते हैं डिस्टोपियन वर्ल्ड। अगर ये OTT पर इतनी मजेदार लग रही है तो सोचो थिएटर्स में कितना ज़्यादा मजा आने वाला है। ये एक हैवी VFX साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसके डायरेक्टर नाग अश्विन सर हैं। फिल्म में पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन जी, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, दिशा पाटनी जैसे एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में कुछ बड़े लोगों का कैमियो होगा। ये फिल्म 27 जून को थिएटर्स में आने वाली है। तो ये थी जून के महीने में आने वाली फिल्में और वेब सीरीज। तो आप लोगों कौन से माल का वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग कुछ और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू बच्चे।